कल का रिस्पांस बेहतरीन रहा, जैसे इन्होंने कहा कि हम अपने सुनने वालों के चाहत से ही गाते हैं और हम फनकार आपसे बेहद प्यार भी करते हैं क्योंकि आप है तो हम है हकीकत। बिल्कुल सही कहा। एक बार ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के प्यारेलाल जी को किसी ने पूछा कि आज के जो गाने बदल रहे हैं कनस्तर में सुर लगा के मेटालिक साउंड में गाना बन रहा है आपके, इसके लिए आपका क्या ख्याल है, आप क्या बोलना चाहते हैं? तो उन्होंने आंखों में आंसू लिए एक गाना गुनगुनाए थे कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, क्या कहने तुम रहे न हम, तुम रहे न तुम और हम रहे न हम। हकीकत है। वाह वाह। हम भी बदल रहे हैं ना जमाने को खुश करने के लिए, बजाय कि हम जमाने को उस सुर में रखे उसकी चाहत से हम देखिए वो है। रमा जी की बात का सही मानो में ये शेर नजर है कि एक वो है कि जो माहौल में ढल जाते हैं, एक वो है कि जो माहौल बदल देते हैं। बस आप दुआ करें कि जो माहौल या जो ये टेम्परेरी मौसम आया है ये बादल छट जाएंगे, असली सहनपान फनकार असली शायरी असली म्यूजिक कायम रहेगा। देखिए राजेश जी के साथ जुड़ना हमारे लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल के जमाना फिल्मों के लिए पागल है। आप देखिए हमारे जो स्टेज है जो खास करके शास्त्रीय उपशास्त्रीय कलाकार उस पर भी देखिए कॉमेडियन और बॉलीवुड के स्टार हावी हो जा रहे हैं और उनको दर्जा कम मिल रही है। तो अगर हम फिल्मों को जोड़ के शास्त्रीय कलाकार चले तो फिल्मों के बहाने हमारे शास्त्रीय संगीत तो लोगों तक पहुंच जाएगा। शास्त्रीय संगीत बुनियाद है, शास्त्रीय संगीत बुनियाद है। ये जो एक चल रहा है कि पत्रकार कम लिख रहे हैं शास्त्रीय कलाकारों के लिए, कहीं भी कहीं किसी का कलम नहीं है शास्त्रीय कलाकारों के लिए। जो पहले जमाने में वो जो बिस्मिल्लाह खान साहब का दौर था, रविशंकर जी, उस समय उनका ज्यादा मान था। इन लोग भी बॉलीवुड वाले इनके पैर छूके बैठते थे, लेकिन आज ऐसी एक दौर चल रहा है कि सब कुछ बॉलीवुड नहीं, लेकिन आप और हम मिलकर यही गुजारिश करना चाहेंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रेस वालों से और लोगों से भी कि सच्चाई लिख दीजिए, क्योंकि आपको अल्लाह ने ताकत दे दी है, उस ताकत का सही इस्तेमाल करें। ये जो बोर में गिर गया ठीक है, उससे हमदर्दी हो सकती है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है वो भी एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन कम से कम सच्चाई लिखिए, जिसके लिए हम ये तो कह सकें कि भाई हमारे पत्रकार भाई जो है वो सच्चाई लिखते हैं, जबकि आप लिखते हैं बहुत अच्छा कुछ है, लेकिन ऐसा मत लिखिए कि आलू प्याज लहसुन ये तो बाजार में भी आपको मिलता वो दिख जाएगा, लेकिन वो चीज़ बताइए जो हमारी भारतीय संस्कृति से ओझल होती जा रही है। हमारे फनकार भी, हमारे साज भी, हमारी आवाज़ें भी, हमारे लोग भी, हमारा खान पीन भी, तो आप प्लीज़ हमारी दस्तबस्ता आपसे गुजारिश है कि वो सच्चाई को सामने लाइए। शास्त्रीय संगीत धरोहर है, इस देश की धरोहर शास्त्रीय संगीत, वरना आने वाली पीढ़ियों को ऐसा ना हो विदेश में जाके सीखना पड़े। यही तो डॉक्टर जी का, आपने तो एकदम उनकी बात ही कह दी। आप देखिए 67 सारे गाने तो शास्त्रीय रागों पर आधारित है, इसलिए वो टिका हुआ है, टिका हुआ रहेगा। नहीं तो अभी आप देखें कि कितना भी रियलिटी शो हो या अच्छे शोज हो, आप देखेंगे 80-90% बच्चे जिनके शायद बाप दादा भी पैदा ना हुए हों वो वही गाने गाते हैं जो आज अमर हैं। क्यों गाते हैं? आत्मा है उनमें, यकीन। और जो काम करने वाले थे वो रात दिन मेहनत में लगे रहते थे। आप पहले काम करते थे, आजकल काम निकालते हैं, निकालना मत सीखिए। थैंक यू।